हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? अभी देखो, यहाँ पे आज के इस वीडियो में हम लोग फॉर्मेशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन, इसके ऊपर की थ्योरी और इसके ऊपर के न्यूमेरिकल्स देखेंगे। फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, इसके ऊपर भी पेपर में क्वेश्चन आता है। तो यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या करना है, पहले ये बताऊं। इफ द रिलेशन, क्या बता रहा है? इफ द रिलेशन बिटवीन द वेरिएबल्स एक्स एंड वाई कंटेनिंग ए नंबर ऑफ आर्बिटरी कॉन्स्टेंट्स, तो यहां पे ये इक्वेशन दिया है, इसमें नंबर ऑफ आर्बिटरी कॉन्स्टेंट्स है, और यहां से अगर आपको डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करना है तो क्या करना, ये जो आपका गिवन इक्वेशन है जिसमें आर्बिटरी कॉन्स्टेंट है, जितने आर्बिटरी कांस्टेंट आपको गिवन इक्वेशन में दिए हैं उतनी बार उसको डिफरेंशिएट करने का, क्या करने का, उतनी बार उसको डिफरेंशिएट करने का टू गेट द डिफरेंशियल इक्वेशन। अपने को क्या निकालने का है, डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करने का ना, ये इक्वेशन से। तो इसका जनरल मेथड ऐसा है कि गिवन इक्वेशन में जितने आर्बिटरी कांस्टेंट दिए जाएंगे उतनी बार वो डिफरेंशियल इक्वेशन को डिफरेंशिएट करिए, वो गिवन इक्वेशन को डिफरेंशिएट करिए, सो दैट वी गेट द रिक्वायर्ड फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। चलो अब देखो, यहां पे वही लिखा है। अब हम एग्जांपल्स को जाते हैं, जितने एग्जांपल सॉल्व करेंगे आपको आइडिया क्लियर होता रहेगा, चलेगा। अब देखो क्या दिया है, ये जो आपको इक्वेशन दिया है इसको फॉर्म करने का है डिफरेंशियल इक्वेशन में, बट यहां पे कितने कॉन्स्टेंट्स है, ए एंड बी। सो एज वाई इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी, वेर ए एंड बी आर, वेर ए एंड बी आर आर्बिटरी कॉन्स्टेंट्स, वेर ए एंड बी आर क्या है, आर्बिटरी कॉन्स्टेंट्स है, बराबर है। ये इक्वेशन को चाहिए तो मैं नंबर वन देता हूं। अब ये इक्वेशन को कितनी बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, दो बार, है ना। सो पहले डिफरेंश करिए, सो ऐसा लिखिए, डिफरेंशिएट इक्वेशन वन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। पहले इक्वेशन वन को डिफरेंशिएट करिए, क्या आएगा देखो, डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू ए, वही रहेगा एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव टू एक्स, बोले तो टू ए एक्स, और कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता, जीरो। चलो ये बहुत बढ़िया। अब हम क्या करेंगे, इसको और एक बार डिफरेंशिएट करेंगे, अगेन डिफरेंशिएट, अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, दो आर्बिटरी कॉन्स्टेंट है दो बार डिफरेंशिएट कर देना। ओके, तो यहां पे क्या आएगा, डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर, और यहां पे क्या आएगा, टू ए। आर यू गेटिंग इट आर नॉट, इसको मैं बोलता हूं इक्वेशन दो, करेक्ट। अब देखो यहां पे आने के बाद फिर अपने को समझ में आएगा कि आप इसमें से फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन करना बोले तो आखिरी के इक्वेशन में कहीं भी आर्बिटरी कांस्टेंट नहीं रहना, बराबर है। अब यहां पे टू ए है, हम ऐसा कर सकते हैं, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई ऑन बोथ साइड्स, मल्टीप्लाई ऑन बोथ साइड्स बाय क्या करना, एक्स, दोनों साइड को एक्स से मल्टीप्लाई करो। तो मैं यहां पे ऐसे कर दू, यहां पे जरा ऊपर लिखते तो बढ़िया रहेगा, है ना, बहुत बढ़िया। देखो यहां पे हम क्या करेंगे, एक्स से मल्टीप्लाई करो तो यहां पे एक्स इंटू डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर, है ना, एंड अगेन टू ए एक्स। ऐसे क्यों किया कि अपने को अब यहां पे मालूम है ये टू ए एक्स आया, और टू ए एक्स से हम लोग ये वैल्यू लिख सकते हैं डीवाई बाई डी एक्स, सो देयरफॉर नाउ पुट द वैल्यू ऑफ टू ए एक्स फ्रॉम इक्वेशन टू, इक्वेशन टू से टू ए एक्स की वैल्यू को यहां पे फिट करें, सो क्या आएगा, एक्स इंटू डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, टू एक्स की वैल्यू क्या है, डी वाई बाय डी एक्स, है ना, टू एक्स की वैल्यू क्या है, डी वाई बाय डी एक्स। थोड़ा मैं मिटा दूं ये नीचे, अभी
और अब देखो अपने को क्या मिलेगा, अब अपने को सीधा सीधा फाइनल आंसर ही मिलेगा। सो एक्स डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर माइनस डी वाई बाय डी एक्स, ये टर्म अगर लेफ्ट साइड आती है तो क्या हो जाएगी माइनस, दैट इज इक्वल टू, और यही आपका रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन है। दिस इज अवर रिक्वायर्ड, दिस इज अवर रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन, बस यही आपका आंसर। बहुत सिंपल है, जितनी बार आपको मतलब प्रॉब्लम में जितने आर्बिट्री कांस्टेंट दिए जाएंगे उतनी बार अपने को वो गिवन इक्वेशन को क्या करने का, उतनी बार डिफरेंशिएट करने का है, और बाद में आपको ही समझ में आएगा क्या एडजस्टमेंट करना है, क्या मल्टीप्लाई करना पड़ता है, कि डायरेक्ट आंसर आता है डिपेंड अपॉन, है ना। सो वंस गो थ्रू इट वी विल गो टू अनदर प्रॉब्लम, सिंपल है उसमें कोई दिक्कत नहीं है, करेक्ट। अगर मैं बोलू इसके ऑर्डर और डिग्री क्या है, अब देखो ऑर्डर और डिग्री की बात करेंगे तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव प्रेजेंट इन दिस इक्वेशन इज नथिंग बट व्हाट डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर, तो इसके ऑर्डर क्या हो गई टू, और उसी की पावर, अब ये ब्रैकेट की पावर लेंगे तो कितनी आएगी वन, सो यहां पे ऑर्डर टू एंड डिग्री वन चलेगा, नो प्रॉब्लम, प्रोसीड टू अनदर प्रॉब्लम। क्योंकि मैथ्स में जितनी प्रैक्टिस आप करोगे उतना ज्यादा आपको फायदा होगा, कंसेप्ट समझ में आएंगे, देखने के बाद फटाफट क्या एडजस्टमेंट है ये समझ में आएगा, है ना। प्रोसीड टू अनदर प्रॉब्लम, अब देखो ये प्रॉब्लम में कोई गड़बड़ नहीं है, obtain the differential equation, पेपर में ऐसे ही आएगा, obtain the differential equation by eliminating the arbitrary constant y square equal to 4ax, क्या दिया है y square equal to 4ax दिया, बराबर है। अब यहां पे आप लिख सकते हैं where a क्या है, ये जो a है nothing but it is where a is arbitrary constant, वेर ए इज क्या है आर्बिटरी कॉन्स्टेंट, सही, गिवन इक्वेशन को नंबर वन दे देना, मतलब इसको कितनी बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा भाई, एक ही बार तो डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो लिख दीजिए ना डिफरेंशिएट वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, इक्वेशन वन में हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव टू वाई इंटू डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू, और यहां पे आपको क्या मिलेगा खाली 4a मिलेगा क्योंकि इसका डेरिवेटिव क्या होगा 1, राइट। अब इसको मैं इक्वेशन 2 बोल दूं चलेगा। अब देखो अपने को अब डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, हो गया एक बार डिफरेंशिएट, पर अपने को समझ में आएगा कि यहां पे ये 4a है, फ्रॉम इक्वेशन 1 हम 4a की वैल्यू को पुट कर सकते क्या, नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। सो फ्रॉम इक्वेशन वन हम ऐसे कर सकते हैं क्या, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, यहां पे 4a आया तो 4a इक्वल टू क्या लिखू, 4a इक्वल टू क्या लिखते हैं वाई स्क्वायर बाय एक्स, आर यू गेटिंग इट आर नॉट, और ये 4a की वैल्यू यहां पे रख दो, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन टू, इक्वेशन टू में अगर ये वैल्यू को आप पुट करते हो तो क्या मिलेगा 2y इंटू डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू, अब देखो 4a की जगह हम डायरेक्ट क्या लिखेंगे y स्क्वायर डिवाइडेड बाय x, आप बात समझ रहे, डायरेक्ट हमने 4a को ही पुट कर दिया तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, 4a को अगर हमने डायरेक्ट पुट कर दिया सो यहां पे क्या हो जाएगा, अभी यहां पे हमारा इक्वेशन ज्यादा से ज्यादा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, सो देयरफॉर 2xy इंटू dy बाय dx, ये y स्क्वायर को इधर ले आओ, माइनस y स्क्वायर इज इक्वल टू 0, है ना, आपको समझ में आ रहा है, ये माइनस y स्क्वायर हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया और यही आपका क्या हो गया, दिस इज अवर रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना। सो दिस इज द रिक्वायर्ड
डिफरेंशियल इक्वेशन, और यही आपका आंसर। अरे सिंपल होता है, उसमें कोई गड़बड़ नहीं है, खाली आपको सॉल्व करते जाना है, बस ऑटोमेटिकली आपको समझ में आएगा कि यार ये कहां पे पुट किए तो क्या हो जाएगा, है ना, कोई दिक्कत नहीं। या इसमें और एक काम कर सकते हैं, अगर आपको ऐसा अच्छा लगा तो ठीक है, तो इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। कैसा, देखो यहां पे ये y है, ये y स्क्वायर है, एक y को कट कर दो, बराबर है। अगर एक y को कट कर दिया और x को इधर लिया तो ऐसे भी लिख सकते हैं आप 2x, ये भी लिखा तो चलेगा, या 2x dy by dx। समझ में, हमने क्या किया, हमने y को खाली, एक y कैंसिल हो गया दोनों न्यूमरेटर, माइनस y इक्वल टू जीरो, ये भी आप अगर लिखते हो तो ये भी चल जाएगा, ये भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, नो प्रॉब्लम, सिंपल रहता है। खाली एडजस्टमेंट आपको समझ में आनी है कि भाई इसको एग्जैक्टली क्या एडजस्टमेंट करनी है। चलो और प्रॉब्लम देखेंगे। जितने ज्यादा प्रॉब्लम की प्रैक्टिस करेंगे आप, बहुत बढ़िया, बट आपको ये वीडियो से आराम से अंदाजा जाएगा, बस एक बार समझ में आया कि भाई क्या करना है तो बस आप आराम से अप्लाई कर सकते हैं, बाद में कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते। चलो ऑप्टेन द डिफरेंशियल इक्वेशन बाय एलिमिनेटिंग द आर्बिटरी कॉन्स्टेंट्स, राइट। क्या दिया, देखो एज वी नो आपको दिया वाई इक्वल टू ए e raised to 3x plus b e raised to minus 3x, इसको बोलो इक्वेशन नंबर वन, गिवन इक्वेशन दिया है ये, करेक्ट। आप देखो ये इक्वेशन में a एंड b कितने आर्बिटरी कॉन्स्टेंट है, दो ना, वेल a एंड b आर, वेल a एंड b आर आर्बिटरी कॉन्स्टेंट। भाई दो आर्बिटरी कॉन्स्टेंट्स है तो ये इक्वेशन कितनी बार डिफरेंशिएट होना चाहिए, दो बार। सो लिखो डिफरेंशिएट वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, करो इसका डिफरेंशिएशन, डीवाई बाय डी एक्स इक्वल टू, राइट, ए डेरिवेटिव ऑफ ई रेस टू थ्री एक्स, ई रेस टू थ्री एक्स एंड अगेन मल्टीप्लाई बाय थ्री, थ्री एक्स का डेरिवेटिव दोबारा बनाना पड़ेगा ना, प्लस बी डेरिवेटिव ऑफ e रेस टू माइनस थ्री एक्स, ई रेस टू माइनस थ्री एक्स एंड अगेन माइनस थ्री, नथिंग बट ये इक्वेशन को अगर मैंने थोड़ा रीअरेंज करवाया तो थ्री ए रेस टू थ्री एक्स, समझ गए आप, मैंने थ्री को सामने लिखा, प्लस माइनस माइनस थ्री बी और e रेस टू माइनस थ्री एक्स, आर यू गेटिंग इट और नॉट। अब देखो ये जो आपका डिफरेंशियल इक्वेशन आया है इसको और एक बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, दो आर्बिटरी कॉन्स्टेंट्स है ना, सो अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, और एक बार डिफरेंशिएट करो, अगर मैं और एक बार डिफरेंशिएट करूं तो क्या आएगा, डी स्क्वायर वाई डिवाइडेड बाय डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, अब देखो 3a तो कांस्टेंट है, e रेस टू 3x का डेरिवेटिव अगेन e रेस टू 3x एंड 3x का अगेन क्या होगा 3, माइनस 3b कांस्टेंट है इनटू e रेस टू माइनस 3x का डेरिवेटिव e रेस टू माइनस 3x एंड माइनस 3x का अगेन माइनस 3, करेक्ट। सो d स्क्वायर y डिवाइडेड बाय dx स्क्वायर 3 3 9a इनटू e रेस टू 3x माइनस माइनस बिकम प्लस 3 3 9b e raised to minus 3x, समझ में आ रहा है आपको हम कैसे कर रहे हैं। अब देखो मैंने कैसे, यहां से अगर हमने 9 को कॉमन निकाल लिया, क्या करते हैं हम लोग 9 को कॉमन निकाल लेते हैं, सो d स्क्वायर y डिवाइडेड बाय dx स्क्वायर इज इक्वल टू, अगर हम 9 को कॉमन निकालेंगे तो क्या आएगा यार, अगर मैं 9 को कॉमन निकालू तो a e raised to 3x है ना, a e raised to 3x और प्लस b e raised to minus 3x प्लस b e raised to minus 3x, समझ में आ रहा है। अब देखो d square y by dx square is equal to 9, बट ये जो टर्म है ना आपकी, अपनी ये जो टर्म आई है, ये टर्म क्या बताती है,
सी फ्रॉम इक्वेशन वन ए रेस टू 3x प्लस बी ई रेस टू माइनस 3x दिस इज नथिंग बट व्हाट, दिस इज नथिंग बट y, है ना। तो ये क्या बना, ये बना y, और डी स्क्वायर y डिवाइडेड बाय dx स्क्वायर माइनस 9y इक्वल टू व्हाट, जीरो। और ये क्या आएगा, ये आपका रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन आप लिख सकते हैं, दिस इज रिक्वायर्ड, दिस इज अ रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। आप बात को समझ रहे, बहुत सिंपल है, जितनी बार गिवन इक्वेशन में कितने आर्बिट्री कांस्टेंट है उतनी बार उसको डिफरेंशिएट करिए, दैट्स ऑल। और उसके बाद अल्टीमेटली कभी कभी डायरेक्ट कभी कभी आगे कुछ तो पुट करके मल्टीप्लाई करके ऐसे आपको आंसर आएगा। वंस गो थ्रू इट, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन है पेपर में बहुत बार आया है, करेक्ट, नो प्रॉब्लम। चले प्रोसीड टू नेक्स्ट प्रॉब्लम। देखो नेक्स्ट प्रॉब्लम को जाएंगे, देखो क्या दिया। नेक्स्ट प्रॉब्लम ये बताता है, ऑब्टेन द डिफरेंशियल इक्वेशन बाय एलिमिनेटिंग द आर्बिट्री कांस्टेंट। क्या दिया इक्वेशन, y इक्वल टू c1 प्लस c2x टू एक्स इंटू ई रेस टू एक्स, सही है। अब देखो यहां पे मैं इसको पहले इक्वेशन वन बोल दू, वेर c1 एंड c2 आर व्हाट, आर्बिट्री कांस्टेंट। सो here c1 and c2 are, c1 and c2 are arbitrary, c1 and c2 are arbitrary constants, are you getting it or not? अब ये arbitrary constant है, मतलब ये equation को हमको differentiate कितनी बार करना पड़ेगा, दो बार। so differentiate करते हैं पहले, so differentiate y with respect to x, अगर हमने y को विथ रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट किया क्या आएगा, देखो dy बाय dx इक्वल टू, थोड़ा ध्यान देना यहाँ पे, यहां पे ये दो फंक्शन है, ये u और ये बना v, बोथ आर द फंक्शंस ऑफ डिफरेंशियबल फंक्शंस ऑफ x। सो u पहला वाला वैसे रखेंगे, c1 प्लस c2 x, u डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v, एंड डेरिवेटिव ऑफ u में क्या रहेगा मालूम, अब u में c1 का तो कांस्टेंट है जीरो हो गया, और यहां पे क्या लिखो खाली इंटू सी टू ना, अरे x का डेरिवेटिव तो वन बन जाएगा, करेक्ट। बट आपको अगर मालूम पड़ता है यहां पे दिखाई दे रहा है, वैसे c1 वन प्लस सी टू एक्स इंटू ई रेस टू एक्स, ये वैल्यू हम क्या पुट कर सकते हैं, वाई ना, बट पुट c1 वन प्लस सी टू एक्स इंटू ई रेस टू एक्स इज इक्वल टू वॉट, वाई, कहां से, फ्रॉम इक्वेशन वन, फ्रॉम इक्वेशन वन, हम इक्वेशन वन से ये वैल्यू यहां पे पुट कर सकते हैं, तो क्या मिलेगा, dy बाय dx इज इक्वल टू, ये पूरे को हम y पुट किए तो क्या आएगा, ई रेस टू एक्स इंटू सी टू, या सी टू ई रेस टू एक्स चलेगा। तो अब हम ऐसा लिख सकते हैं ना, c2 e raise to x, ये y को इधर दे दो, तो हम ऐसा लिखेंगे, तो c2 e raise to x is equal to dy by dx minus y, आप समझ गए हमने क्या किया, ये यहीं पे रखा, इसके साइड बदली कर दी, इसको बोलो आप इक्वेशन नंबर क्या बोलेंगे, दो, आप इसको बोलो इक्वेशन नंबर दो, और मेरे ख्याल से हम लोग दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे, है ना, हम दोबारा ये इक्वेशन को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, और ये जो इक्वेशन को हम डिफरेंशिएट करेंगे ना, ये इक्वेशन, इसको मैं नंबर देता हूं यार, इसको बोलो इक्वेशन दो, तो मैं इसको बोलो इक्वेशन तीन, है ना, ये इक्वेशन को हम दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे, सो अगेन फ्रॉम इक्वेशन टू, फ्रॉम इक्वेशन टू, जरा इक्वेशन टू को देख लो, ये इक्वेशन टू यही है ना, डिवाइड बाय डीएक्स,
मैं दोबारा लिख रहा हूं इक्वेशन डीवाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू वाई प्लस सी टू ई रेस टू एक्स। समझ में आया आपको कैसे लिखा हमने ये y प्लस सी टू ई रेस टू एक्स। अब देखो इसको डिफरेंशिएट करो, अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, क्या आएगा रे डी स्क्वायर वाई डिवाइडेड बाय डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू y का डेरिवेटिव क्या आएगा dy बाय डी एक्स प्लस सी टू ई रेस टू एक्स। आपको मालूम है यहां पे दोबारा मेरे को क्या लिखना पड़ेगा सी टू ई रेस टू एक्स। सी टू तो कॉन्स्टेंट है बट डेरिवेटिव ऑफ ई रेस टू एक्स क्या होता ई रेस टू एक्स, नो प्रॉब्लम। बट आपको समझ में आया क्या हमने इक्वेशन तीन क्यों बनवा के रखा, सी टू ई रेस टू एक्स की वैल्यू हम यहां पे पुट कर सकते हैं ना। समझ में आया आपको, पुट द वैल्यू ऑफ सी टू ई रेस टू एक्स फ्रॉम इक्वेशन थ्री। कौन से इक्वेशन से, थ्री इक्वेशन से, इन अबो इक्वेशन। आप बात समझ रहे, अब यहां पे सी टू ई रेस टू एक्स की वैल्यू डाल दो तो क्या आएगा देखो, डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू डी वाई बाय डी एक्स प्लस सी टू ई रेस टू एक्स की वैल्यू क्या रखेंगे dy by dx और ये माइनस वाई। सही है, हमने सी टू ई रेस टू एक्स की वैल्यू पुट की यहां पे, नो प्रॉब्लम। अब देखो डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर ये dy by dx कितनी बार आया, दो बार, सो यहां पे राइट साइड में ट्वाइस dy by dx, लेफ्ट साइड लाए तो माइनस ट्वाइस dy by dx, दो बार आया ना ये टर्म, और ये माइनस वाई का प्लस वाई एंड दैट इज इक्वल टू जीरो, नथिंग बट यहां पे कोई भी आर्बिटरी कांस्टेंट नहीं रहा, सो दिस इज अवर रिक्वायर्ड, यहां पे हम लिख सकते हैं दिस इज अवर रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन, दिस इज अवर रिक्वायर्ड, आपका क्या रहेगा आंसर। समझ में आया, कहने का मतलब बहुत सिंपल है, यहां पे गिवन इक्वेशन में जितने आर्बिटरी कांस्टेंट है उतनी बार वो डिफरेंशिएट करिए इक्वेशन को, और ऐसा छोटा मोटा एडजस्टमेंट रहेगा वो वैल्यू वहां पे पुट करके हम लोग आर्बिटरी कांस्टेंट्स को एलिमिनेट कर सकते हैं, सो दैट इन द फाइनल इक्वेशन वी गेट प्योरली व्हाट अवर डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें आर्बिटरी कांस्टेंट नहीं रहे। करेक्ट, देख लो एक बार, सो दैट वी विल प्रोसीड टू अगेन अनदर प्रॉब्लम। करेक्ट, जितना जल्दी हो सके हम लोग फटाफट करने को ट्राई करेंगे तो आपको भी समझ में आएगा कि ये ऐसे हो रहा है। बैठाओगे, चलो बढ़िया। डिफरेंशियल इक्वेशन काफी अच्छा टॉपिक है और पोटेंशियल भी अच्छा है इसका, ज्यादा मार्क देता है। अब देखते हैं, हाँ क्या बता रहा है, ऑब्टेन द डिफरेंशियल इक्वेशन बाय एलिमिनेटिंग द आर्बिटरी कॉन्स्टेंट्स, क्या दिया इक्वेशन एज एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल टू फोर ए एक्स। करेक्ट, इसको आप इक्वेशन वन बोल दीजिए, गिवन इक्वेशन है, कितना ही आर्बिटरी कॉन्स्टेंट भाई एक ही, वेर लिखने का अपन ने ए इज आर्बिटरी, वेर ए इज आर्बिटरी कॉन्स्टेंट। करेक्ट, अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे, सो डिफरेंशिएट With respect to x, अगर हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या आएगा 3x स्क्वायर 3y स्क्वायर इंटू dy by dx, सही है, इज इक्वल टू क्या आया 4a। समझ में आया क्या आपको, यहां पे 3x स्क्वायर 3y स्क्वायर इंटू dy by dx, x का डेरिवेटिव क्या बनता, 1 बनता ना x का डेरिवेटिव, है क्या नहीं। अब हम क्या करेंगे मालूम, यहां पे ये जो वैल्यू आपकी आई है ना 4a इक्वल टू दिस,
ये वैल्यू डायरेक्टली यहां पे पुट कर सकते हैं ना इक्वेशन वन में। सो पुट दिस वैल्यू, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन वन। ये वैल्यू अगर हम इक्वेशन वन में रखते तो क्या मिलेगा, देखो एक्स क्यू प्लस वाई क्यू, फोर ए की जगह हम क्या पुट करेंगे, थ्री एक्स स्क्वायर प्लस थ्री वाई स्क्वायर इंटू डी वाई बाय डी एक्स। ये 4a की जगह हमने ये पुट किया और बाहर क्या रखा है x, नो प्रॉब्लम। अब देखो, सो x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस 3x क्यूब प्लस 3xy स्क्वायर इंटू डी वाई बाय डी एक्स, ऐसे कुछ आया। हमने x से ब्रैकेट ओपन कर दिया, नथिंग मोर देन दैट, और एक साइड ले आइए चाहिए तो, नहीं तो एक काम कर सकते ना, ये 3x क्यूब है, इसको उधर भेजे तो माइनस एक्स क्यूब हो गया, तो कितना रह गया 2x क्यूब, समझ में आ रहा है। ये y क्यूब को उधर भेजे तो क्या लिखेंगे हम, माइनस y क्यूब प्लस 3xy स्क्वायर इंटू डी वाई बाय डी एक्स एंड दैट इज इक्वल टू व्हाट, जीरो। और यही आपका रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन, ऐसे आप बोल सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। So this is a required differential equation. This is a required differential equation. अलग अलग वैरायटी लेके दिखा रहे, सो दैट आपको अंदाज आएगा कि इसको कैसे करते हैं। अरे डायरेक्ट फोर ए की वैल्यू पुट किए तो काम ही हो जा रहा, सो डायरेक्टली रिक्वायर्ड डिफरेंस, बस खाली सिंप्लीफाई करो, डायरेक्ट रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन अपने को मिलेगा। आप बात को समझ रहे क्या नहीं समझ रहे, वेरी गुड। अब देखो, प्रोसीड टू अनदर प्रॉब्लम, वैरायटी लेके दिखा रहे कि कभी डायरेक्ट पुट होता है, कभी दो बार डिफरेंशिएट करना पड़ता है, कभी डिफरेंशिएशन के बाद उसको फिर दोबारा इक्वेशन दो को एक बार एडजस्ट करके फिर डिफरेंशिएट करना पड़ता है, इससे अलग अलग वैरायटी। अब देखो यहां पे एक प्रॉब्लम और लेंगे। हाँ, फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एन एलिप्स हूज अ मेजर एक्सिस इज ट्वाइस इट्स अ माइनर एक्सिस। बोले तो यहां पे इक्वेशन कुछ भी नहीं दिया, आपको इक्वेशन बनाना पड़ेगा फिर डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, राइट। सो एज वी नो, क्या मेजर इलिप्स है, इलिप्स का मेजर एक्सिस क्या होता है 2a, एज वी नो मेजर एक्सिस इज अ 2a, राइट, एंड माइनर एक्सिस क्या होता इज अ 2b, करेक्ट, फॉर स्टैंडर्ड इलिप्स ब्रैकेट में लिख दो वेर ए इज अ ग्रेटर देन बी। स्टैंडर्ड इलिप्स बोले तो आपका मेजर एक्सिस बना रहेगा, ए इज ग्रेटर देन बी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब कंडीशन क्या दी अपने को, फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एन एलिप्स हुज अ मेजर एक्सिस। अब मेजर एक्सिस कौन है, ये 2a, एंड देयरफॉर इट इज अ गिवन दैट, क्या गिवन दिया अपने को, इट इज अ गिवन दैट मेजर एक्सिस नथिंग बट 2a इज इक्वल टू क्या दिया, ट्वाइस माइनर एक्सिस। माइनर एक्सिस कौन है 2b, ट्वाइस माइनर एक्सिस 2b। थोड़ा कॉनिक सेक्शन का आपको नॉलेज रहना जरूरी है। सो यहां पे देखो, ये हम लोग एक काम कर सकते हैं, दो के साथ दो को उड़ा दिया तो a इक्वल टू क्या आया 2b। ये इक्वेशन जरा नंबर दे दो 1, एंड देयरफॉर स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एलिप्स इज आपका स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एलिप्स क्या है मालूम, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। दिस इज द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एलिप्स, जिसमें ए इज ग्रेटर देन बी होता है, बट ए की जगह क्या लिखने का, अभी ए और बी का रिलेशन मिला ना, So, यहां पे ऐसे कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर ए की जगह 2b लिखना है तो यहां पे क्या लिखो, 2b का स्क्वायर y स्क्वायर डिवाइडेड बाय b स्क्वायर एंड दैट इज इक्वल टू व्हाट 1, राइट।
थोड़ा इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, कैसे करेंगे सॉल्व देखो, यहां पे एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय मेरे कैसे 2 का स्क्वायर 4, 4 बी स्क्वायर ऐसा लिख सकते हैं इसको, 4 बी स्क्वायर बिल्कुल लिख सकते हैं, प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। देखो कैसे फॉर्मेशन करना पड़ता है, पहले इक्वेशन ही फॉर्म करके लेना पड़ेगा, राइट। अब यहां पे देखो हमने एलसीएम लिया लेफ्ट हैंड साइड में, तो 4 बी स्क्वायर, तो ये कितना आया एक्स स्क्वायर, यहां पे बी स्क्वायर चले गया तो 4 वाई स्क्वायर है ना, एंड दैट इज इक्वल टू व्हाट 1। आर यू गेटिंग इट और नॉट? अब देखो यहां पे इक्वेशन फॉर्म हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 4 वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 बी स्क्वायर, और ये इक्वेशन में कितने आर्बिटरी कांस्टेंट रह गया, एक ही बी है ना, हमने ए और बी का रिलेशन लगा के वहां पे तो एक को तो उड़ा दिया, राइट। अब हम इसको बोल सकते हैं दिस इज नथिंग बट योर इक्वेशन 2, और आप इसको आप डिफरेंशिएट तो आराम से कर लेंगे ना, बिल्कुल कर लेंगे। सो यहां पे करेंगे डिफरेंशिएट y विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट x, क्या आएगा 2x, ये 4 वाई स्क्वायर है, वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y, सो 4 टू जा 8y, और y का डेरिवेटिव dy by dx, और बी स्क्वायर है, बी स्क्वायर क्या होता 4 बी स्क्वायर, होल टर्म इज कॉन्स्टेंट यार, कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता, अरे भाई कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव इटसेल्फ क्या बनता 0। अब देखो डिवाइड बोथ साइड बाय 2 कर दो, सो x प्लस 4 बाय इंटू dy बाय dx दैट इज इक्वल टू 0। हमने यहां से दो कॉमन निकाल के उधर भेजा तो भी चलेगा यार, डिवाइड बोथ साइड बाय 2 करो बोले, और यही आपका क्या हो गया, दिस इज यूर रिक्वायर्ड, दिस इज यूर रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन, और यही आपका फाइनल आंसर। कुछ भी नहीं है, सिंपल है, खाली आपको थोड़ा जनरल नॉलेज होना कि मेजर एक्सिस होता है 2a, माइनर एक्सिस होता है 2b, इलिप्स का स्टैंडर्ड इक्वेशन a इज ग्रेटर देन b रहा तो इक्वेशन ये रहता, और खाली वैल्यू पुट करने का, इक्वेशन फॉर्म करके लेने का, और एक बार ये इक्वेशन फॉर्म हुआ तो इसमें एक ही आर्बिटरी कांस्टेंट रह गया, उसको एक ही बार डिफरेंशिएट किया तो आंसर आया, राइट। तो ऐसे टाइप की वैरायटी अपने को यहां पे मिलेगी, बस थोड़ा सा आपको एक काम करना पड़ेगा, उसके लिए आपको बेसिक मालूम क्या है, बेसिक फॉर्मेशन कैसे होता भाई, गिवन इक्वेशन में कितने आर्बिटरी कांस्टेंट है उतनी बार वो जो इक्वेशन है गिवन उसको डिफरेंशिएट करो, एंड देन अल्टीमेटली आर्बिटरी कांस्टेंट को रिमूव हो जाता या रिमूव करना पड़ता बाय सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन 1 और 2 में से कुछ भी, एंड देन वी गेट द फाइनल रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन, दैट्स ऑल। तो ये पूरे वीडियो में हमने ये देखा फॉर्मेशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे करते हैं, चलेगा, नो प्रॉब्लम, ओके। अगर एक बात है, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट दे दो, चलेगा, एंड बी इन टच विद अस सो दैट हम लोग जो वीडियोस रिलीज कर रहे हैं वो सारे वीडियोस आपको 1 by 1 मिलते रहे, ओके, चलेगा, अगेन वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, चलेगा, थैंक यू।